सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ है आपकी मूवी सीरीज के बारे में बात करें, उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि मरीन ड्राइव का एक पोस्ट डाला हुआ है आपने, 11 साल बाद काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, इंस्पिरेशन बन चुके हैं आप लोगों के, उसके बारे में कुछ बताइए कैसे ये यार वो हो गया बस। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं आपको पता नहीं चलता कैसे, वो भी मेरे को कैलकुलेटेड नहीं था। जिस दिन हम शूट कर रहे थे मरीन ड्राइव पे, उस दिन मुझे हिट किया कि अरे यहाँ सेम स्पॉट पे तो मैं 11 साल पहले आ चुका हूँ। फिर मैंने ढूंढा फेसबुक पे, एक पोस्ट डाला था मैंने 11 साल पहले, वो फ़ोटो मैंने देखी, मैंने कहा सेम डे की है वो, मतलब इसी जगह की है। तो मतलब वही है, हो जाता है जो होना होता है, आप कभी प्लान नहीं करते चीज़ें। ट्रेलर की मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा लोगों से रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड OTT की मैं बात करूँ स्पेशली यू गाइस आर द नंबर वन ऑन द OTT। कोई भी सीरीज़ की बात करें, डिंडोरे की बात करें या फिर आपकी कोई भी सीरीज, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक किस तरह के रिस्पॉन्स लोगों से मिला है, एंड आपसे स्पेशली जानना चाहूँगा सर ने क्या रिस्पॉन्स दिया है योर डैड। He absolutely loved it because recently इस साल मैंने जो Guilty Minds और Brokenness किया है वो drama या thriller genre में आता है, whereas you want me to repeat that? No, it's fine. So recently in 2022 मैंने जो Guilty Minds और Broken News में किरदार निभाए, that was I would say drama thriller, and ताज़ा खबर ये जो हमारी series है it's a drama and comedy, it's dramedy, that's how I think of it, और मेरा look बहुत अलग है, you know I'm playing a sex worker, it's my first time, तो मेरे parents को बहुत अच्छा लगा और एक vibe भी अलग है हमारी series की, it was amazing and working with this man right here was incredible. भुवन जी मैं बात करूँ ढिंडोरा में, एवरी वीक वी हैव टू वेट फॉर द सीरीज, एक शो आता था 6 तारीख को पूरा आने वाला है कि वी हैव टू वेट कंटिन्यू सारे एक साथ, मतलब बैठो तो बैठे ही रहो फिर yes. उठ ही नहीं पाओगे आप, 3-3.5 घंटा या 4 घंटा जितने भी बैठ के पूरा देखना है। और जिस तरह का सक्सेस ढिंडोरा को मिला और किस तरह के लोग फॉरवर्ड कर रहे इस फिल्म में, मैं कह रहा हूँ हर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं बनाते हम कि ये हल्का है ये एवरेज है, जी जान सब में लगती है, अब देखने वालों पे है कि जनता को उस मूड के हिसाब से कैसा लगता है शो, और उम्मीद ही कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा लगे लोगों को शो, बस यही है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो फिर यार ये रोल हुसैन भाई अब्बास भाई ने लिखा है ये शो, और उन्होंने मुझे बोला कि वस्या प्ले करना है, तो वहीं से कहानी शुरू हुई, वहीं से लिखावट शुरू हुई, शो डेवलपमेंट चालू हुआ, और फिर ग्रेजुअली हमने कहा मधु कैसे किसको कास्ट करें, और फिर जो पहला नाम आया वो शिया जी का आया, एंड देन फाइनली फिर वो बैठ के वहाँ चटकारे भर रहे महबूब भाई हमारे, तो धीरे धीरे करके पूरी कास्ट बनी और पूरा शो विद इन अ ईयर हमने बना। और जेन्युइनली कहानी बहुत मज़ेदार है, ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, अगर इवन इफ आई वाज नॉट इन द शो, अगर मैं ये शो देखती मुझे उतना ही मज़ा आता। And how you have prepared for yourself as a sex worker? Have you gone to any people to talk? I didn't have to do that because जब आप शो देखेंगे you'll see it's more about her life outside the brothel. Yes. आप देखिए ना वो सब देखिए सारे जवाब हाँ, मतलब हाथ इतने बंधे हुए हैं अभी हाँ कि मतलब लिटरली ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, बट हाँ अभी बता नहीं सकते, शो आएगा तो हाँ 6 तारीख को मज़ा आएगा। OTT क्वीन भी कहा जाता है आपको, कौन कहता है ये सब कहते हैं मैंने सुना बिल्कुल आपके सारे किरदारों को काफ़ी सराहा जाता है, आपकी नई प्रोजेक्ट जब आपके पास आती है आप कितना प्रिपेयर करते हो कि ऑडियंस ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगती है आपके पिछले किरदारों से? जी नहीं, आई थिंक मेहनत तो उतनी ही लगती है, बस मेरी कोशिश होती है कि मुझे कभी स्टीरियोटाइप नहीं होना है, तो इसलिए मैं ऐसे किरदार सिलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ जो अलग हैं, अलग अलग जॉनर्स में है, कभी ड्रामा कर लिया कभी रोमांटिक कॉमेडी कर ली, सो कोशिश वही रहती है, बट ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, सो आई जस्ट वांट से थैंक यू टू एवरीबॉडी। एक आखिरी सवाल, 6 तारीख को नए साल से नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, हमारे लोगों को एक आखिरी मैसेज नहीं आप 6 तारीख को आ जाएगा ताज़ा खबर, 6 जनवरी को बैठ के देखना अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ, और बताना जिस जिसको मिलो उसको बताना कि ऐसे शो आया है ताज़ा खबर करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और नया साल है तो नए साल में परिवार के साथ रहो, खुशी मनाओ, एंड वी प्रॉमिस आपको बहुत मज़ा आएगा yes. और खुद को खुश रखो, आप खुश हैं तो बाकी सब खुश रहो। थैंक यू। अच्छा ट्रेलर लगा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया लोगों की तरफ से, थैंक यू। जानना चाहूँगा आप लोग दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में, किस तरह के रिस्पॉन्स आप लोगों को मिले? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ताज़ा खबर के लिए जो बहुत ही जल्द 6 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ होने जा रहा है, और मेरा कैरेक्टर है महबूब भाई का, इस टाइप का कैरेक्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है, इसमें मेरा अलग ही गेटअप है,
फ्रेंच बियर्ड है और लाल हीना वाले बाल हैं, और ये तो फिर भी ऊपर वाला यू नो गेटअप है। बाकी अंदर से अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो इस टाइप का किरदार मैंने आज से पहले कभी नहीं निभाया। इसमें कॉमेडी मेरे हिस्से बहुत कम आई है, पर उसी बात की मुझे खुशी है। थोड़ा सा इमोशनल किरदार है, दिल को छू जाने वाला किरदार है। ये एक अंडा पाव बेचने वाला, घर घर जाकर साइकिल पे जाने वाला महबूब भाई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है और ये शो बहुत प्यारा है। और मेरे साथी कलाकार प्रथमेश, भुवन बाम, श्रिया, सब लोग एक से बढ़कर एक हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। मुझे तो ट्रेलर का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया और मुझे ऐसा लगता है कि भुवन के लुक्स उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है वस्या के, और सर का जो एक पंच है उसमें वो क्या मार के आया क्या वो उस पर भी बहुत लाफ्टर आया उस पर। और मेरा जो कैरेक्टर है पीटर नाम का कैरेक्टर है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं ना गैंग में जिनको हम थोड़े अनोइंग होते हैं, मतलब ये नहीं आए तो चले गए, मतलब इसको मत बुलाओ, लेकिन वो नहीं आता तो उसको मिस करते हैं। तो वैसा पीटर है, वैसे कैरेक्टर है। और मुझे ऐसा लगता है कि महबूब भाई और उसका एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो महबूब भाई उसको चिल्लाते रहते हैं हर टाइम, और वो पीटर भी उनकी खींचते रहते हैं बार बार। और वस्या के साथ भी उसका बॉन्डिंग, मतलब भुवन के साथ भी बॉन्डिंग है, श्रेया के साथ भी बॉन्डिंग है। अब भुवन के साथ ऐसा है कि वो दोनों एक दूसरे से कभी रिस्पेक्ट से बात ही नहीं करते, क्योंकि कुछ भी हो जाए उसके लाइफ में तो पहले आके वो पीटर को बताएगा, और पीटर के लाइफ में कुछ हो जाए तो वो वस्या को आके बताएगा, और उसका सॉल्यूशन महबूब भाई देंगे। तो ऐसा एक बॉन्ड है हम सबका। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीरीज जो है ना वो लोगों को इतनी अच्छी लगी कि बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर्स है। सबके दिल में ऐसी चाहत है कि हम कहीं से भी पैसा कमा लें और अपने सपने जो है वो पूरे करें। अब सीरीज में क्या होता है वो आपको देखने मिलेगा। इसमें काफ़ी ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशंस है, कुछ हद तक फैंटेसी है, मिरेकल्स है, और डिलेमा है, प्रिंसिपल्स एंड बहुत सारा रोमांस है, बिट्रेयल है, फ्रेंडशिप है, बहुत कुछ है। इसी के साथ सर आपको टेलीविजन से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है, जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। कोई भी आपका किरदार पकड़ ले तो उसको कभी ना कभी हमेशा किसी ना किसी तरह कोई ना कोई याद करता रहता है, और अब OTT में दोनों के बीच का डिफरेंस जानना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी ऑडियंस का और मेरे नसीब का भी कि मुझे टेलीविज़न में बहुत अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिला और ऑडियंस ने सराहा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस। चाहे वो देख भाई देख का करीमा हो, या बाबूर बेबी का गट्टू हो, या ऑफिस का पटेल हो, या लेटली जो बाकरवड़ी के अन्ना, सारे किरदारों को बहुत लोगों ने प्यार दिया, तो थैंक यू सो मच। और अभी मैं पिछले 2 साल से टेलीविज़न का ब्रेक लिया है मैंने, क्योंकि मैं OTT प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और ताज़ा खबर से ही इसकी शुरुआत होगी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले महबूब भाई। मैं टाइम बस सीरीज़ की मैं बात करूँ, टाइम बस 3 Z5 पे अभी भी है, और Z5 पे काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। एंड इनफैक्ट OTT की मैं बात करूँ जो Z5 पे, इस तरह का रिस्पॉन्स डू यू एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम द हॉटस्टार? उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मैं सोच रहा हूँ आएगा, क्योंकि अभी ये हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा देखेगी, नो डाउट टाइम पास का भी एक हिंदी ऑडियंस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भुवन बाम एक बहुत बड़ा नाम है, तो भुवन बाम की वजह से बहुत लोगों के तक हमारी एक्टिंग भी पहुँच जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत मतलब बाहर भी लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और डिज्नी हॉटस्टार पर आएगी और लोगों तक पहुँचेगी, लोग और प्यार करेंगे, और कैरेक्टर्स भी सबके अच्छे लगेंगे। ऐसे नहीं कि कोई एक एक्टर आके कुछ बैटिंग करके चला गया, ऐसा कुछ नहीं है सीरीज में। मेनली इसका जो हीरो है वो स्टोरी है, और वो स्टोरी ही रहेगी मुझे ऐसा लगता है। और अभी तो स्टोरी का ज़माना है, तो स्टोरी अगर अच्छी हो तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो वो कैरेक्टर्स भी लोगों को रिलेट करते हैं, और फिर स्टोरी भी लोगों को अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी बहुत बढ़िया है और लोग देख के उसे प्यार करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।